राजस्थान में भजनलाल सरकार वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पहला पूर्ण बजट पेश किया। दिया कुमारी ने सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने पेपर लीक के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की, बुनियादी सुविधाओं के विकास, प्रदेश के सतत विकास, जल जीवन मिशन, बड़े उद्योगों के लिए MSME, 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने, पेयजल योजना, अमृतकाल में 5 साल की योजना बनाने पर विशेष जोर दिया है। साथ ही कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश की इकोनॉमी को $350 बिलियन की बनाना है। हमने इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान एट 2047 का राजस्थान के अंतर्गत 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। हम इस कार्य योजना के अंतर्गत भविष्य के लिए हमारे 10 संकल्प हैं। 1, प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। 2, बुनियादी सुविधाओं पानी बिजली व सड़क का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 3, सुनियोजित विकास के साथ शहरी ग्रामीण क्षेत्रीय विकास, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिविक इम्यूनिटीज। 4, सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर्स वेलफेयर। 5, बड़े उद्योगों के साथ साथ MSME को प्रोत्साहन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। 6, विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन। 7, सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ। 8, मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हेल्थ फॉर ऑल। 8, 9, सोशल सिक्योरिटी, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन। 10, गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन जाना प्रस्तावित है। ऊर्जा, गत सरकार की गलत नीतियों तथा कुप्रबंधन के कारण प्रदेश पर आए बिजली संकट से उबरने के लिए भी हमारी सरकार ने आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही विकसित राजस्थान एक्ट 2047 के सपने को साकार करने की दृष्टि से आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग में संभावित 6% वृद्धि दर के लिए भी आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की योजना तैयार की गई है। वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता, सोलर 22,200 मेगावाट, पवन 8,100 मेगावाट एवं हाइड्रो 3,300 मेगावाट का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की पहल पर RBUNL एवं केंद्रीय उपक्रमों तथा NTPC कोल इंडिया लिमिटेड, LLC इंडिया लिमिटेड के मध्य ज्वाइंट वेंचर अंडरटेकिंग बनाकर 3,325 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं स्थापित करने हेतु MOU 10 मार्च 2024 को किए गए हैं। वर्तमान में अनुबंधित 9,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के अतिरिक्त 13,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ बेस्ड टेंडर प्रक्रिया से 8,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ ही कुसुम योजना के तहत 5,000 मेगावाट का कार्य प्रगतिरत है। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि कुसुम योजना के अंतर्गत 3,500 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लिए लेटर्स ऑफ इंटेंट जारी भी की जा चुके हैं। इस प्रकार वर्ष 2031-32 तक की
ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु 2,25,000 करोड़ रुपए की लागत के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। साथ ही हमारे द्वारा अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक लैंड पॉलिसी को भी लागू किया जा चुका है। अब निजी क्षेत्र के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को भी गति देते हुए 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में पूगल, छतरगढ़, बीकानेर एवं बोडाना, जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किए जाने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित किए जाने हेतु नीति लाई जाएगी। इसके अंतर्गत पंप स्टोरेज का भी समावेश किया जाएगा। इस क्रम में 12 भरतपुर एवं अन्य जिलों में फिजिबिलिटी के आधार पर पंप स्टोरेज के माध्यम से भी ऊर्जा उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में विद्युत तंत्र को मजबूत करने एवं इसके विस्तार हेतु आवश्यक कदम उठाने जा रही है। ये सुधार कार्य हैं एनर्जी एक्सेस फॉर्म्स रिफॉर्म्स, पीएम सॉरी पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, द कंट्री विल नॉट बी अ गुड प्लेस फॉर एनी ऑफ अस टू लिव इन अनलेस वी मेक इट अ रीजनेबली गुड प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस टू लिव इन। अर्थात हमारे रहने के लिए देश तब तक एक अच्छा स्थान नहीं होता जब तक कि हम इसे सबके रहने के लिए यथोचित अच्छा स्थान नहीं बनाते। हमारा देश प्राचीन काल से ही सिविक प्लानिंग के लिए जाना जाता है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा मोहनजोदारो की प्लानिंग का उदाहरण लें या फिर विद्याधर भट्टाचार्य मिर्जा इस्माइल द्वारा जयपुर की प्लानिंग का, हम इनसे प्रेरणा लेकर शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास के लिए कटिबद्ध है। शहरों के साथ ही पेरी अर्बन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान जैसे वृहद एवं विविधता से परिपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्याएं व आवश्यकताएं हैं। इनके प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। योजना अंतर्गत जन सहभागिता के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे तथा क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विशेषज्ञों की मिशन टीम गठित की जाएगी। प्रदेश में जिला स्तर के एवं अन्य चयनित शहरी निकायों में वाईफाई एनेबल्ड लाइब्रेरी एंड को वर्किंग स्टेशन की स्थापना लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश के नगर निकायों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुंदर बनाए जाने की दृष्टिगत दो वर्षों 2024-25 व 2025-26 में चरणबद्ध रूप से विभिन्न नगरीय निकायों में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही चरणबद्ध रूप से प्रत्येक नगरीय निकाय में 65 करोड़ रुपए की लगभग रुपए की लागत से फायर ब्रिगेड्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही चरणबद्ध रूप से प्रत्येक नगरीय निकाय में 65 करोड़ रुपए की लगभग रुपए की लागत से फायर ब्रिगेड्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठोस कचरे के प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट्स, 86 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्रों का निर्माण तथा 131 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
इन पर लगभग 650 करोड़ रुपए व्यय होंगे। नहीं, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। कचरा संग्रहण व परिवहन से निस्तारण तक की व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु आईटी तकनीक जैसे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का उपयोग करने के साथ साथ नगर निगमों संचालित इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टेशन को मैकेनाइज्ड एवं ऑटोमेटेड कराया जाएगा। इस पर 135 करोड़ रुपए व्यय होंगे। साथ ही विभिन्न शहरों में ड्रेनेज, जल संरक्षण, जन सुविधा व सामुदायिक कार्य तथा अल्प आय वर्ग के लिए प्रदेश में प्रथम बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज की निर्माण चरणबद्ध रूप से किए जाने की इस वर्ष 30 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर बनाई जानी प्रस्तावित है। ये एक्सप्रेसवेज है जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर 350 किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, ब्यावर भरतपुर 342 किलोमीटर, झालौर झालावाड़ 402 किलोमीटर, अजमेर बांसवाड़ा 358 किलोमीटर, जयपुर फलोदी 345 किलोमीटर एवं श्री गंगानगर कोटपुतली 290 किलोमीटर। बिपरजॉय तूफान, अतिवृष्टि एवं समय पर रखरखाव की कमी के कारण क्षतिग्रस्त 1343 सड़कों एवं पुलियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार करने के लिए दो वर्षों में 644 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित है। उपखंड पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से 2 लेन चौड़ी सड़क से जोड़ने का कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जाएगा। इस पर लगभग 306 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही मैं शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा करती हूँ। क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं, अमरीकी राष्ट्रपति की ये पंक्तियां याद करना चाहूंगी। बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, आओ महिलाओं जा रहे भैया, एक मिनट ठीक है, तथा वंचित वर्गों को सशक्त कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए विकसित एवं उन्नत राजस्थान के निर्माण की परिकल्पना को साकार किए जाने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। मैं देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां याद करना चाहूंगी। बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आमजन की इस भावना को ध्यान में रखते हुए 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में शिक्षा की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से प्रदेश में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास भवन, 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों तथा 138 भवन सहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरीज एवं टॉयलेट्स के निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही 750 विद्यालयों की भवनों की मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
प्रदेश के विभिन्न वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से छात्रावास आवासीय विद्यालयों का निर्माण तथा आधारभूत सुविधाएं विकसित करने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रही हूं। राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानीय छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासीय छात्र छात्राओं को मेस भत्ता बैठिए। आप बैठिए माननीय सदस्य। माननीय सदस्य आप तो जी अध्यक्ष महोदय, राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र छात्राओं को देय मेस भत्ता मेस अलाउंस 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही खेलकूद आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट्स विद 3 इयर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी की निशुल्क दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विस्तार हेतु भवन विहीन 20 संस्कृत महाविद्यालयों हेतु भवन निर्माण कराए जाएंगे। इस हेतु लगभग 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन एवं अनुसाधन को बढ़ावा देने के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर खेलों के प्रोत्साहन हेतु समुचित वातावरण तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस एनालिसिस काउंसलिंग व न्यूट्रिशन का समावेश करते हुए खेल नीति 2024 लाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस खेल नीति के अंतर्गत राजस्थान खेल आधुनिकरण मिशन की स्थापना करते हुए खेल क्षेत्र के लिए गत वर्ष प्रावधित 475 करोड़ रुपए की बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दुगना किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में कोचेस एवं स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पर 250 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसके साथ ही संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेजेस की भी स्थापना 50-50 करोड़ रुपए की राशि से की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम लागू करते हुए प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की एकेडमी स्थापित करने की घोषणा करते हैं। हमारे द्वारा प्रदेश का नाम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलंपिक प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम TOP योजना के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के खिलाड़ियों को समुचित सिक्योरिटी कवरेज उपलब्ध कराने की दृष्टिगत स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार
25 लाख रुपए तक का दुर्घटना व जीवन बीमा जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग एवं प्रैक्टिस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य स्तर के खिलाड़ियों के लिए फिजिकल रिहाब हेतु जयपुर में 15 करोड़ रुपए व्यय कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। चयनित विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आवश्यक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इक्विपमेंट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए पीटीआई कोचेस की समुचित व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की दृष्टि से ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से ओपन जिम्स व खेल मैदान बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों पर ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी। खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स के लिए डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। प्रस्तावित खेल नीति के अंतर्गत पैरा एथलीट्स के लिए पृथक से विशेष प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्टेडियम, ट्रैक, खेल अकेडमी आदि की स्थापना उन्नयन का कार्य किया जाएगा। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में पारंपरिक खेलों ट्रेडिशनल एंड आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पेयजल ये सर्वविदित है कि हमारा प्रदेश वाटर डिफिशिएंट है, इसलिए जल की महत्ता को प्रदेशवासियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हर घर जल पहुंचाने की केंद्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित हो सकती है, किंतु पूर्व सरकार की उदासीनता व ढिलाई के चलते इस योजना में हमारा प्रदेश अत्यंत पिछड़ गया। अब हमने इस मिशन को गति देते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य प्रारंभ कर इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में अब मैं जल जीवन मिशन के तहत 5,846 अतिरिक्त गांवों को सतही जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 20,370 करोड़ रुपए की लागत से 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य हाथ में लिए जाने की घोषणा करती हूं। इन पेयजल परियोजनाओं की मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप ही क्षेत्रों में भी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत पर प्रस्तुत कर रही हूं। ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप ही शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन पिछली सरकार द्वारा नहीं किया गया। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत अब मैं प्रदेश के 183 शहरों कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु लगभग 5,180 करोड़ रुपए के कार्य 2 वर्षों में करवाए जाने की घोषणा करती हूं। के प्रेरणा सूत्र स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, अ ब्रेव फ्रैंक क्लीन हार्टेड करेजियस एंड एस्पायरिंग यूथ इज द ओनली फाउंडेशन ऑन विच द फ्यूचर कैन बी बिल्ट। अर्थात बहादुर, स्पष्टवादी, साहसी, आकांक्षी एवं साफ दिल वाले युवा एकमात्र नींव है जिस पर भविष्य का निर्माण हो सकता है। इस कारण युवाओं को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए आवश्यकता है युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की, शिक्षा व खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास की,
कौशल एवं क्षमता को निखारने की, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की। हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखा अनुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। माननीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी द्वारा 29 जून 2024 को संभाग कर जन सेवा के लिए प्रेरित किया गया। माननीय सदस्यों, युवाओं के भविष्य की बात कर रही हूँ, वो तो सुन लीजिए। माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4,00,000 भर्तियां करने का संकल्प लिया है। और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1,00,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं करवाकर हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाई जाने की घोषणा करती हूँ। नवीन नीति के माध्यम से 5 वर्षों में समस्त युवा वर्ग को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए मैं सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य की विकास यात्रा में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को AI आधारित काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित किए जाना प्रस्तावित है। चयनित युवाओं को देश विदेश में एक्सपोजर विजिट्स के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें एम्प्लॉयबल बनाए जाने की दृष्टि से स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाकर वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को रेलेवेंट बनाते हुए प्रदेश में